वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल दिन है संडे और छुट्टी का दिन है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। तो उसी समय में हमारा जो पैरट है वो केज से बाहर निकल गया है और पिंजरे से बाहर निकल के इनके कंधे पर बैठ गया है और इनसे कह रहा है कि मुझसे बात करो। तो ये झांसी में हमेशा ऐसा ही क्या करता था। और मैं तो जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर बचे हुए आटे से हम आज कुछ नया बनाएंगे। तो ये आटा जो है मैंने रोटी के लिए गुथा था तो उसमें से बचा हुआ है। इस आटे को हम इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैंने दो आलू जो है बॉईल कर लिया है और आलू का जो स्टफ है वो समोसे की तरह मैंने बना लिया। यानी समोसे का जिस तरह से हम मसाला तैयार करते हैं ना, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने आटे से लोई बना के दो रोटियाँ यहाँ पे बना लिया। तो पहली वाली रोटी पर हम क्या करेंगे, जो ही हमने समोसे वाला जो मसाला रेडी किया है उसे स्पून के हेल्प से फैला देंगे और उसके बाद जो है उसके ऊपर दूसरी वाली रोटी यहाँ पर रख देंगे और अच्छी तरीके से सेट कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये ऑयल में खुले नहीं। उसके बाद मैंने बेलन की हेल्प से यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद हम एक चाकू लेंगे, चाकू के हेल्प से इसे कट कर देंगे। तो जैसे नॉर्मली हम कट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। आप रेक्टेंगल शेप में भी काट सकती है, ट्राइंगल में भी काट सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद हो आप कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे नॉर्मली हम लोग मठरी बनाते हैं या खस्ते बनाते हैं उस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब कटे हुए पीस को हम क्या करेंगे कि दोनों कोने को जो है आगे की ओर फोल्ड करना है और बचे हुए दोनों कोनों को अपोजिट यानी पीछे के साइड में फोल्ड करना है। तो ये हमारा जो है फ्लावर समोसा बनकर के रेडी है, या फिर मसाले वाले आप नमक पारे बोल सकते हैं इसको आप, जो चाय के साथ खाने में काफी टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरीके से सारे हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और फ्लावर शेप के यहाँ पे छोटे छोटे से टीनी समोसे बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे फ्लावर समोसे टीनी समोसे बना करके रेडी कर लिए। तेल गर्म करने रख दिया था, तेल को हमें हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म किया। जिस तरह हम समोसे के लिए ऑयल गर्म करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे सारे टीनी समोसे को हमने ऐड कर दिया है और गोल्डन ब्राउन होते तक हम इसे सेक लेंगे। और यहाँ पर हमारे फ्लावर समोसे टीनी समोसे बन करके रेडी है, जो चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये झटपट से बनने वाली आसान रेसिपी है। और इसके बाद हमारे यहाँ के आतंकवादी को देखिए, कुछ काम करने के लिए भेजा था, टब में जो है कपड़े डुबोने के लिए भेजा था, तो कपड़े डुबोना छोड़ करके ये खेलने लगे और सारे आंगन में इसने झाग ही झाग कर रखा है। तो स्तुति का काम हमारे घर पे कुछ इसी तरीके का है। और अभी बज रहे हैं दिन के, मतलब लंच का समय है और लंच अभी बना नहीं है। और यहाँ पर सुमन का रिजल्ट आया आज, जैन केवी का, तो ये एमएससी की तैयारी के लिए एंट्रेंस एग्जाम इसने दिया था। कि जब रिजल्ट आता है तो लोग इतने खुश क्यों होते हैं? पर तुम तो तीन तीन दी हो, तो मैं बता रही कोई एक देती है फिर तुमको ठीक लगता है कि हाँ चलो इसमें आ गया। अब तुम्हारा उसमें भी ठीक ठाक आया, उसमें कितना आया था? 84 है। इसमें भी ठीक आ गया, इसमें तो ठीक ही आया। तुम तो उम्मीद भी नहीं की थी, बोली थी अच्छा पेपर ही नहीं गया, पेपर ही नहीं गया। तुक्का लगा एक्चुअली, पता उसको फ्री होके दी थी, तुमको टेंशन था ही नहीं कि होना ही नहीं, इसलिए हो गया। क्यों मैं ऐसे क्यों देती पता है यार, आ तो रहा नहीं है, चल नाक बंद करके कुछ तो लगा ही देते हैं। यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है जिसमें कुसुम जो है रेड चौलाई तोड़ रही है और इसका तोड़ने का अंदाज काफी अच्छा है, इतना छोटा छोटा तोड़ रही है ना कि इसे कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम शाम को जो है मैं और सुमन मार्केट आए और जोरों की यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, तो हम दोनों जो है ना जो लोग सब्जी बेचते हैं उन्हीं के साइड में जाके हम लोग भी शेल्टर पे खड़े हो गए थे। यहाँ से हमारे नेक्स्ट डे का क्लिप स्टार्ट होता है। सुबह का समय है और इसे जुकाम हुआ है तो ये सो करके उठ गई है और ना बाहर काफ़ी अंधेरा है, बारिश वाला मौसम है, तो ये देखिए इसकी आंखें नहीं खुली जुकाम की वजह से, तो ये उठ गई। मैं तो घूम करके आ गई हूँ, अम्ब्रेला लेकर के गई थी घूमने के लिए मैं, तो ये स्तुति उठ गई है और ये चिल रही कि आप मेरे पास कैमरा लेकर के आ गई हो। और यहाँ पर हमारा पैरोट भी उठ गया है, तो काफ़ी अंधेरा है आज घर पे, सुबह सुबह से लाइट जल गई कमरे की तो सारे लोग जाग गए हैं।
और मैं घूम कर आने के बाद जो है यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। और खाने में अभी जो है ना, आज अभी डिसाइड नहीं है, तो दाल चावल सब्जी रोटी 8:30 बजे इनका ऑफिस का समय होता है, और हम आज जो है थोड़ी देर बाद कहीं बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ पर ये बादाम कितने गिरे हैं देखो, इतने तो आम भी नहीं गिरते यार। चलो तुम नहा के रेडी हो, पापा आने वाले हैं। बादाम ही बादाम, ये देखो ये पका सा है। चलो तुम तैयार हो, पापा आने वाले हैं। चलो टाइम हो गया मेरे को। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए थे और हमको कहीं बाहर निकलना है, तो जो भैया आने वाले हैं उनका हम इंतज़ार किए थे, और उसके बाद हम निकल गए हैं बिलासपुर रायगढ़ रोड पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड नेशनल हाईवे रोड है, और यहाँ का नज़ारा मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं है, चारों तरफ हरियाली। और यहाँ पर जो है रायपुर से ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए एरिया जो है ना काफ़ी हरा भरा है, चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर जमा है। इतनी बारिश तो हमारे रायपुर में भी नहीं हुई है, और सुबह का समय है और मौसम तो काफ़ी बना हुआ है, लगता है कि फिर से वापस बारिश आने वाली है। तो रायपुर में हमारे अभी काफ़ी मतलब अच्छी बारिश तो नहीं हुई है, पर बिलासपुर और रायगढ़ वाले एरिया में जब हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी तेज़ की बारिश हुई, और चारों तरफ खेत खलिहान में इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है कि किसान जो है अपना खेती का काम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेत की जो मेड़ है वो तक मतलब डूब गई है, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है। इधर तो पहुँच गए हैं हम पहले वाले टोल नाके पर, और यहाँ से निकलते हैं बिलासपुर और रायगढ़ रोड पर। तो अभी हम एग्जैक्ट नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, पर ये रायपुर से हमें 250 किलोमीटर आगे जाना है। तो फिलहाल आज तो 3:30-4 बजे तक हमें पहुँचने में ही वक्त हो जाएगा, और उसके बाद हमें रिटर्न भी आज ही होना है। तो जैसे मैंने कहा कि ये बिलासपुर और रायगढ़ के एरिया का जो खेत खलियान है इतना पानी से ज़्यादा भरा हुआ है कि मतलब खेत की जो मेड़ है वो भी पानी से डूब गई है, और चारों तरफ देखने पर लग रहा है जैसे तालाब ही तालाब है। इतना बारिश जो है हमारे रायपुर में अभी नहीं हुआ है। तो हम जो है बिना प्लानिंग के निकल गए थे 250 किलोमीटर, और अभी फिलहाल रिटर्न हुए हैं, और रात के 12:30 बज रहे हैं। तो आधा घंटा ही हम रुके हैं वहाँ पर, और फिलहाल यहाँ पे खाना के लिए रुके, क्योंकि हम बिना प्लानिंग के गए थे, तो बिना नाश्ता वास्ता खाना वाना हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। पर फाइनली हम अब पहुँच चुके हैं अपने मेटोरगंज कॉलोनी के बाहर, घर पहुँचते हैं, और घर पहुँचते पहुँचते लगभग हमें जो है 1 बज जाएगा, और अपने आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।